हेलो एवरीवन, अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू और स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एग्जाम इंडिया के यूट्यूब चैनल पे। और मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो फटाफट पहले तो मुझे ये बताएंगे क्या मेरी आवाज क्लियर है, और आज का जो स्पेशल सीरीज आज से जो शुरू हो रहा है 500 MCQ का ब्रह्मास्त्र, जैसा कि आप सभी जानते हो ये बहुत स्पेशल सीरीज होने वाली है, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। और ये सीरीज जिसने भी कर ली है ना, जिसने भी अपने एग्जाम तक ये सीरीज कर ली, निश्चित रूप से आपको सारे प्रश्न यहाँ से मिलने वाले हैं। इस क्लास को बिल्कुल भी मिस मत करना, ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। इस क्लास को बहुत स्पेशली डिजाइन किया गया है आपके आने वाले परीक्षाओं के लिए, ठीक है। आप देख सकते हो बिल्कुल एसएससी सीजीएल हो, सीएचएसएल हो या कोई भी एग्जाम हो, स्पेशली मैंने इस सेशन को डिजाइन किया है। आने वाले 1 से 2 महीने में बहुत सारा पेपर लग रहा है, ठीक है। 14 जुलाई से एसएससी सीजीएल का पेपर स्टार्ट हो रहा है, अगस्त में सीएचएसएल का पेपर स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। इसके अलावा आने वाले हर मंथ में कोई ना कोई एग्जाम आने वाला है, उसको टारगेट करते हुए 500 MCQ का क्वेश्चन बनाया गया है ना। ये 500 क्वेश्चन एक दिन में नहीं होगा, ठीक है, 20-25 क्वेश्चन मैं एक दिन में ही कराऊंगा, और ये 500 क्वेश्चन का मेरा टारगेट है जो आपके एग्जाम में डायरेक्ट इन सभी क्वेश्चन में से आने वाला है। तो ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, जिनके भी पेपर हैं बस आप 1 घंटे आपको यहां पे आके देना है। तो जो बच्चे नए हैं उनके लिए तो जरूर कहूंगा कि आप डेली अपना 1 घंटा 5 बजे से 6 बजे तक आप लोग यहां पे आके इस क्लास को जरूर पढ़ लेना, क्योंकि जब एग्जाम में बैठोगे तो आपको सारे क्वेश्चन नजर आएंगे कि हां मेरे द्वारा कराए गए हैं, ठीक है। तो इस क्लास को जरूर देखना। तो हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है, तो सभी को नमस्कार और जय हिंद है, गुड इवनिंग है जितने भी लोग आ चुके हो, ठीक है। जल्दी से आ जाओ और फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं। एक बार जल्दी से इस क्लास के लिंक को अपने सभी ग्रुप में शेयर जरूर कर देना, क्योंकि मैं चाहूंगा कि इस क्लास में ज्यादा से ज्यादा बच्चे आए पढ़े और उनको फायदा मिले डायरेक्ट एग्जाम में, ताकि आप एग्जाम देके जब सीजीएल का पेपर देके निकलो ना तो आप ये कहो कि भाई अविनाश सर के क्वेश्चंस आए थे पेपर में, ठीक है। निश्चित रूप से आते भी हैं और आपको देखने को मिलेंगे भी, बस आपकी ईमानदारी होनी चाहिए, ठीक है, आपकी मेहनत होनी चाहिए, आप बस टाइम से क्लास को करते रहो और अच्छे से पढ़ाई करते रहो, अच्छे से रिवाइज करते रहो, ठीक है भाई। चलें क्लास को स्टार्ट करें भाई, क्लियर है, धन्यवाद रविंद्र जी भाई, ठीक है। चलो तो जितने लोग आ चुके हो तो सबसे पहले आपका स्वागत है, मैं एक बार आपके कमेंट को यहां पे लगा लेता हूं, फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं भाई। चलो भाई, तो जितने आ चुके हो सबका स्वागत है। सर साइंस का क्वेश्चन कराओ सर, वंदना जी बिल्कुल, साइंस का मैराथन स्टार्ट होगा अगले संडे को, ठीक है, बिल्कुल तैयार रहिएगा साइंस के लिए, बिल्कुल आपका कोई भी पोर्शन छोड़ेंगे नहीं। करंट अफेयर का बिल्कुल अलग से करा रहा हूं मैं, करंट अफेयर अलग से चलेगा और जीके का बिल्कुल अलग से चलेगा, मतलब कि पूरा का पूरा निचोड़ के रखेंगे, कोई भी एग्जाम हो तैयार रहो, बस क्लास करो, जितना भी स्पेशल क्लास दूं मैं करते रहना सब, ठीक है। चलो क्लास को स्टार्ट करते हैं, और क्लास स्टार्ट करने से पहले आप सभी को बता दूं मैं, ठीक है, जितने भी सदस्य आ चुके हैं आप सबका स्वागत है, ठीक है। निशान जी, वंदना जी, साक्षी जी, रविंद्र जी, सिंह विशाल जी, एजुकेशन वंडर जी, जितने भी लोग आ चुके हैं, आकाश जी है ना, साक्षी शर्मा जी, पुनीत जी, पूनम सिंह जी, वेरी गुड इवनिंग, डॉक्टर जी सिंह, गुड इवनिंग, ठीक है। चलो तो यहाँ पे आपको बता दूं, सबसे पहले बहुत सारे बच्चों का डाउट हो रहा था कि सर आपसे कुछ पूछना है, आपकी आपसे सब डाउट है ये वो, ठीक है। तो ये सोशल मीडिया के अलग अलग हैंडल है मेरे, आपको कोई भी डाउट हो तो आप मेरे इसको फॉलो कर लीजिए और वहां पर आप मुझे पर्सनल मैसेज कर सकते हो, ठीक है। स्पेशली आप लोग टेलीग्राम तो जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है, टेलीग्राम तो जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। इसके अलावा इंस्टाग्राम का ये प्रोफाइल है, आप इंस्टाग्राम पे मुझे पर्सनल मैसेज कर सकते हो, आपके अगर कोई डाउट है तो, ठीक है, कोई भी क्वेरी हो, कोई क्वेश्चन हो आप पूछ सकते हो, और ये मेरा ट्विटर हैंडल है, ये फेसबुक हैंडल है, जहां भी आप जुड़ सकते हो जुड़ जाइए, ठीक है। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं, आई होप आप सभी बिल्कुल तैयार हो चुके होंगे, और बस 1 घंटे का ये सेशन होगा, और 1 घंटे में इतना सारा कुछ हम लोग पढ़ने वाले हैं कि आपका एक बहुत बढ़िया रिवीजन होने वाला है। चले भाई, वेरी गुड इवनिंग डॉली जी, पूनम जी, ठीक है। चलो भाई, सबसे पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, ठीक है, बिल्कुल अपना पढ़ाई करना है, बिल्कुल अपना देखना है, ठीक है, ताका झाकी बिल्कुल नहीं करनी है, ईमानदारी से पढ़ना है और अच्छे से कमेंट करना है, ठीक है, अगर कमेंट करना है तो अच्छे से करना है, और जो भी लोग क्लास देख रहे हो कॉपी और पेन लेके बैठना है और नोट करते चलना है। चलिए भाई, पक्की बात है सर जी, सारा क्वेश्चन मिल जाएगा, बिल्कुल मोहित जी, पूरी कोशिश है, सारा डायमेंशन कवर करने की कोशिश है, जितना डायमेंशन हो सकता है क्वेश्चन का कवर करेंगे। निश्चित रूप से अगर आपकी तैयारी अच्छी है, अगर आपने क्लास को पूरा देख रखा है, तो निश्चित रूप से आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाला, ठीक है। चलो भाई, पहला प्रश्न आ चुका है स्क्रीन पे, बिना देर किए हुए स्टार्ट करेंगे क्लास को। चलो है ना, एक एक क्वेश्चन को समझते चलना, जब मैं समझाऊं तो बहुत ध्यान से समझना, नोट करते चलना, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज इनकरेक्ट, हमसे क्या पूछा भाई, कौन सा पेयर जो है इनकरेक्ट मैच है, यानी कि कौन सा जोड़ा जो है वो सही नहीं है, क्या बता
बताना है कौन सा जोड़ा जो है सही नहीं है। चलिए प्रश्न को ध्यान से समझिएगा मैं क्या बोलने वाला हूं। पहला ऑप्शन है बीसी 261 में कलिंगा वॉर, बिल्कुल ठीक बात है, ठीक है। 261 बीसी में, 261 जो बीसी में है वो कलिंग का वॉर हुआ था, और कलिंग का जो वॉर है वो किसके साथ हुआ था, तो अशोका के साथ हुआ था भाई, ठीक है। अशोका मौर्य साम्राज्य का शासक था अशोक, और कलिंग का जो राजा था उसके साथ जो है वो युद्ध हुआ था, दैट इज 261 में, है ना, 261 में युद्ध हुआ था। हमें इनकरेक्ट बताना है, करेक्ट नहीं बताना है, पहला स्टेटमेंट करेक्ट लिखा हुआ, ठीक है। और इसी युद्ध के बाद आपको याद रखना है कलिंगा वॉर का जो जिक्र है, इसका जो वर्णन है वो अशोक के 13वें शिलालेख में है, ठीक है, याद रखना अशोक के 13वें शिलालेख में इस युद्ध का वर्णन किया गया है। क्वेश्चन पूछता है कि कलिंग युद्ध का वर्णन कहां पर किया गया है, तो अशोक के जो 13th इंस्क्रिप्शन है, 13वां शिलालेख, शिलालेख को बोलते हैं इंस्क्रिप्शन, इंस्क्रिप्शन, ठीक है, तो अशोक के 13वें शिलालेख में इसका वर्णन किया गया। इसके अलावा इसी युद्ध के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म की शिक्षा दीक्षा ग्रहण कर ली भाई, इसी युद्ध के बाद अशोका ने क्या है, बौद्ध धर्म को अपनाना शुरू कर लिया, ठीक है, बौद्ध धर्म को अपनाना शुरू किया। और अशोका को बौद्ध धर्म की शिक्षा दीक्षा किसने दी थी, तो अशोका को बौद्ध धर्म की शिक्षा दीक्षा देने वाला जो व्यक्ति था उसका नाम था उपगुप्ता, याद रखेंगे उस व्यक्ति का नाम क्या था, उस व्यक्ति का नाम था उपगुप्ता, है ना, हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखता चल रहा हूं, आप लोग देखते रहना, ठीक है। तो अशोक को बौद्ध धर्म में शिक्षा दीक्षा किसने दिया, तो अशोक को बौद्ध धर्म में शिक्षा दीक्षा उपगुप्त नाम के व्यक्ति ने दी थी, क्वेश्चन को ध्यान रखना, ठीक है। इसी युद्ध के बाद अशोका ने बौद्ध धर्म को धारण कर लिया था। सवाल यह है कि बौद्ध धर्म से पहले अशोका किस धर्म को मानता था, याद रखना बौद्ध धर्म से पहले अशोका किस धर्म को मानता था, तो बौद्ध धर्म से पहले जो अशोका है वो शैव धर्म को मानता था, ठीक है, शैव धर्म को मानता था, ठीक है। यह भी क्वेश्चन आ चुका है पेपर में कि बौद्ध धर्म से पहले अशोका किस धर्म को मानता था, तो दैट इज द शैव धर्म, याद रखेंगे, ठीक है ना। चलो इसके अलावा बता दूं अशोका के बारे में, याद रखना आपको 13वें शिलालेख में इसका वर्णन है, ठीक है, उपगुप्ता ने इनको बौद्ध धर्म में शिक्षित दीक्षित किया, ठीक है। इसके अलावा अशोका के बहुत सारे अभिलेख है, अशोका को अभिलेखों का पिता भी कहते हैं, फादर ऑफ इंस्क्रिप्शन, क्या बोलते हैं अशोका को, फादर ऑफ इंस्क्रिप्शन, यानी कि अभिलेखों का पिता, यानी कि पहली बार अभिलेखों पर लिखने का काम जो है वो अशोका के टाइम पर हुआ था। मौर्य वंश का ये सबसे महान राजा कहा जाता है, क्लियर है, इस बात को थोड़ा सा ध्यान में रखना, है ना। चलो तो पहला मैंने स्टेटमेंट आपको वेरीफाई कर दिया है, पहला स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट है 78 एडी में कमेंसमेंट ऑफ द शक इरा, यानी हमसे कह रहा है कि 78 ईस्वी को शक संवत की शुरुआत हुई, बिल्कुल ठीक बात है भाई, है ना, बिल्कुल ठीक बात है। 78 ईस्वी में, 78 एडी में शक संवत की शुरुआत हुई थी भाई, ठीक है, शक संवत की शुरुआत हुई थी 78 एडी में। किसने शुरू किया था, तो कनिष्क नाम का एक राजा था, कनिष्क नाम का एक राजा था, और इसी ने शुरू किया था क्या, शक संवत कैलेंडर। ये एक कैलेंडर था, एक कैलेंडर था ये, जिसको शुरू किया था किसने, कनिष्क नाम का एक राजा था। किस वंश का था ये, सॉरी किस वंश का था ये, किस वंश का था ये, कुषाण वंश का शासक था ये, ठीक है, कुषाण वंश का शासक था ये, अब ये भी आपको ध्यान रखना है, है ना, कुषाण वंश का शासक था कनिष्का, और इसी ने 78 ईस्वी को यानी कि 78 एडी में इसने शुरू किया था, दैट इज शक इरा, यानी कि शक संवत। और यही कैलेंडर है जो भारत सरकार आज के टाइम पे ऑफिशियली इस्तेमाल करती है, ठीक है। सवाल यही है, शक संवत जो है आधारित है किस पर, पंचांग पर, ठीक है, तो इसी कैलेंडर को आधार बना के भारत सरकार इस समय जो ऑफिशियल कैलेंडर इस्तेमाल करती है वो इसी पर आधारित है, ठीक है। तो 78 एडी में कनिष्का ने शुरू किया था, दैट इज द कमेंसमेंट ऑफ सकीरा, तो ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक लिखा हुआ है, ठीक है, ये भी स्टेटमेंट हमारा सही लिखा है, कनिष्का से संबंधित है, कुषाण वंश का ये शासक था, ठीक है। और कनिष्का के टाइम पे एक बार याद करो जल्दी से, है ना, मेरे साथ मन में याद करो कि कनिष्का ने और क्या-क्या किया था भाई। कनिष्का को द्वितीय अशोक बोलते हैं, सेकंड अशोका कहते हैं, कनिष्का ने चौथा बौद्ध संगीति किया था भाई, फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल आप सभी को याद आ रहा होगा, यानी चार बौद्ध संगीति हुए थे, तो चौथा बौद्ध संगीति कनिष्का के टाइम पर हुआ था, कुंडल वन कश्मीर में हुआ था, ठीक है, जिसकी अध्यक्षता वसुमित्र और अश्वघोष ने करी थी, ठीक है। और इसी चौथे बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म को दो भागों में डिवाइड किया गया था, दैट इज महायान और हीनयान, याद आ रहा है, बिल्कुल रिवाइज करो, रिकॉल करो, जितना पढ़ाया मैंने सब रिकॉल करो, क्योंकि एक महीने जो आपकी क्लास चलेगी सीजीएल तक, ये गागर में सागर वाली क्लास होने वाली है, ठीक है। तो कनिष्का ने क्या किया था, चौथा बौद्ध संगीति किया था, कहां पे, कुंडलवन कश्मीर में, और अध्यक्षता किसने की थी इस बैठक की, तो आपका वसुमित्र और अश्वघोष थे यहां पे, ठीक है। और इसके अलावा क्या हुआ था यहां पे, तो बौद्ध धर्म को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया था, दैट इज महायान एंड हीनयान, क्लियर है। कनिष्का के बारे में इतनी बात आपको ध्यान रखना है, इसने ही कैलेंडर चलवाया था, दैट इज शक संवत, ठीक है। चलो तो ये बात बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट सी ऑप्शन है 622 एडी में कमेंसमेंट ऑफ द मुस्लिम इरा, है ना, क्वेश्चन समझते रहना, क्या अब ये सही है, क्या थर्ड स्टेटमेंट सही लिखा हुआ है कि 622
1922 में मुस्लिम युग की शुरुआत, बिल्कुल ठीक लिखा है ये, बिल्कुल ठीक लिखा है, मुस्लिम युग की शुरुआत हुई थी 622 में। कैसे माना जाता है ये मुस्लिम युग की शुरुआत 622 में हुई थी, क्योंकि इसी वर्ष में, इसी 622 ईयर में ही, 622 ईस्वी में ही क्या हुआ था, जो आपके इस्लाम के प्रवर्तक थे, है ना, इस्लाम धर्म के जो प्रवर्तक थे प्रोफेट मोहम्मद साहब, है ना, पैगंबर मोहम्मद साहब का नाम आप सबने सुना होगा इस्लाम धर्म के प्रवर्तक, तो उनकी इसी ईयर में क्या हुई थी, डेथ हुई थी भाई, 622 ईस्वी में ही डेथ हुई थी, इस्लाम धर्म के प्रवर्तक पैगंबर मोहम्मद साहब जी की डेथ हुई थी। कहां पर डेथ हुई थी, मदीना में, ठीक है, डेथ कहां पर हुई थी, मदीना के अंदर हुई थी, है ना, और इनकी डेथ पर ही क्या माना जाता है कि मुस्लिम युग की शुरुआत जो है वो 622 मानी जाती है, तो सी स्टेटमेंट भी बिल्कुल ठीक है, लेकिन हमसे क्वेश्चन में इनकरेक्ट पूछा है, ध्यान रखना गलत पूछा है। तो आप देखोगे चौथा ऑप्शन 1709 में औरंगजेब की मृत्यु, तो ये आपका स्टेटमेंट जो है हमारे इस प्रश्न का उत्तर ठीक हो जाएगा, डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, क्योंकि औरंगजेब की मृत्यु जो है वो 1709 में नहीं 1707 में हुई थी भाई, ठीक है, औरंगजेब की जो डेथ हुई थी वो 1707 में हुई थी, 1709 में नहीं हुई थी, तो हमसे गलत पूछा है, रॉन्ग पूछा है, तो हमारा ये वाला डी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। एक ऑप्शन को मैं बताता चलूंगा और हर एक ऑप्शन से आपका बहुत सारा क्वेश्चन तैयार होगा, 500 क्वेश्चन का टारगेट है, ठीक है, 500 नंबर में क्वेश्चन कराऊंगा मैं, है ना, और एक्सप्लेनेशन के साथ तो समझ लो 1500 से 2000 क्वेश्चन पहुंचेगा, ठीक है ना। चलो तो 1707 में जो है औरंगजेब की डेथ हुई थी, औरंगजेब के बारे में जल्दी से याद रखो, औरंगजेब के बारे में जल्दी से रिकॉल करो क्या क्या याद है आपको। औरंगजेब ने एक उपाधि धारण की थी, औरंगजेब ने एक उपाधि धारण की थी, दैट इज आलमगीर, आलमगीर, तो औरंगजेब की एक उपाधि थी आलमगीर, ठीक है, औरंगजेब को ही बोलते थे क्या जिंदा पीर, औरंगजेब को ही बोलते थे क्या जिंदा पीर, जिंदा पीर, क्लियर है। ये दो उपाधि, दो टाइटल आपको याद रखने हैं औरंगजेब से रिलेटेड, आलमगीर और जिंदा पीर, किसको बोलते थे, औरंगजेब को बोलते थे, ठीक है। इसके अलावा याद रखना आप लोग औरंगजेब के बारे में, इसने अपनी बीवी की याद में, अपनी वाइफ की याद में एक मकबरा बनाया, बहुत भव्य एक मकबरा बनवाया, जिसका नाम था बीवी टॉम्ब, ठीक है, औरंगजेब ने एक मकबरा बनवाया, दैट इज बीवी टॉम्ब, बीवी टॉम्ब, जिसको बोलते हैं हम लोग बीवी का मकबरा, कहां पे बनवाया था, औरंगाबाद में, ठीक है, औरंगाबाद में महाराष्ट्र के अंदर है, बीवी टॉम्ब बनवाया था इसने अपनी वाइफ की याद में, और इसी बीवी टॉम्ब को ही बोलते हैं, है ना, इसी बीवी टॉम्ब को बोलते हैं ताजमहल की भद्दी नकल, ठीक है, ताजमहल की भद्दी नकल, या इसी को बोलते हैं सेकेंड ताजमहल, ठीक है, दूसरा ताजमहल, आप इसको देखोगे गूगल पे सर्च करोगे बीवी टॉम्ब, ठीक है, तो आपको बिल्कुल ताजमहल की तरह दिखेगा, लेकिन ये ताजमहल की भद्दी नकल कही जाती है, ठीक है, या इसको कहा जाता है कि सेकेंड ताजमहल, ठीक है, दूसरा ताजमहल भी कहते हैं, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। औरंगजेब के ही टाइम पे सबसे ज्यादा हिंदू मनसबदार थे, ये भी याद रखना, औरंगजेब के टाइम पे सबसे ज्यादा संख्या हिंदू मनसबदारों की थी, हिंदू मनसबदार, हिंदू मनसबदार, ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन पूछा है कि सर्वाधिक हिंदू मनसबदारों की संख्या किस मुगल शासक के टाइम पर थी, तो औरंगजेब के टाइम पे थी सबसे ज्यादा हिंदू मनसबदार, ठीक है। औरंगजेब के ही टाइम पे आपको याद रखना है बैटल हुए थे, बैटल ऑफ धर्मत एंड बैटल ऑफ सामुगढ़, है ना, दो इंपॉर्टेंट बैटल जो हुए थे इसके टाइम पे, बैटल ऑफ धर्मत एंड बैटल ऑफ सामुगढ़ औरंगजेब के टाइम पर हुए थे, क्लियर है कि नहीं भाई, बताओ। बीवी टॉम, बिल्कुल, बहुत बढ़िया मोहित जी, वेरी गुड, शाबाश, वेरी गुड, वेरी गुड। जितने भी लोग उत्तर कर रहे हो बिल्कुल अपने आप को चेक करो, है ना, जितना आता है ना रिकॉल करो और चीजों को बताओ, बाहर निकालो, ठीक है, बाहर निकालो, यही करना हमें, ठीक है, यही करना हमें, है ना, दबा के नहीं रखना, बाहर निकालो। चलो क्लियर है, क्वेश्चन पॉइंट समझ में आया मेरा क्या है, तो हमारे इस प्रश्न का उत्तर क्या होने वाला है, दैट इज डी ऑप्शन, ठीक है, डी ऑप्शन। और ये सारा जो पोस्टमार्टम किया है क्वेश्चन का, बिल्कुल ध्यान से याद रखना, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर टू, चलो ये इजी है, ये इजी क्वेश्चन है, बताओ जरा फटाफट, एक मिनट, कौन सा कलर यूज करूं मैं आपके लिए, क्या रेड विजिबल होगा, जरा देखूं, रेड विजिबल, चलो आप लोग उत्तर करो फटाफट, उत्तर करो फटाफट भाई। क्वेश्चन क्या है, हु अमंग द फॉलोइंग इज नोन एज ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, ठीक है भाई, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसे कहते हैं, यानी कि भारत का वयोवृद्ध पुरुष किसे कहते हैं, तो ये तो सवाल बिल्कुल इजी है, और मैंने कहा ना कुछ क्वेश्चन मैंने रिपीटेड भी डाले हैं, और कुछ नए क्वेश्चन है, कुछ ट्रिकी क्वेश्चन है, है ना, इसका पूरा कंपाइलेशन किया है, 500 से ज्यादा क्वेश्चन आप करने वाले हो भाई, ठीक है, बिल्कुल ठीक उत्तर आ रहा है यहाँ पे, बहुत बढ़िया, ठीक है, तो बिल्कुल ये कहते हैं दादा भाई नौरोजी को, ठीक है, दादा भाई नौरोजी जी को बोलते हैं ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, ठीक है, इसमें कोई भी बड़ा क्वेश्चन नहीं था, हर कोई जानता है, लेकिन एग्जाम में और क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। चलो अब जल्दी से दादा भाई नौरोजी के बारे में जितनी बातें याद होना फटाफट जल्दी से यहां पे दिखाओ, जल्दी से नॉलेज दिखाओ दादा भाई नौरोजी के बारे में। पहली बात, इनका जन्म हुआ था 1825 से लेकर के 1917 में इनकी डेथ हुई थी, ठीक है, तो ये याद रखना आपको, ठीक है, एक बड़ी पर्सनालिटी रही है ये हमारे भारतीय क्रांतिकारी के फील्ड में, इंडियन रिवोल्यूशनरी के, भारतीय के इतिहास में, तो इनका आपको जन्म भी याद रखना है
है और डेथ भी याद रखना, ठीक है। तो 1825 से 1917 इनका टेन्योर है। दादा भाई नौरोजी जी के बारे में याद रखना कि ये फर्स्ट इंडियन, पहले भारतीय जो ब्रिटिश पार्लियामेंट में गए थे, ठीक है, ब्रिटेन की संसद में जाने वाले प्रथम भारतीय थे, इस बात को याद रखना है सबको, ठीक है। इसके अलावा इनकी बड़ी फेमस किताब है जो वो है आपका पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया, अनब्रिटिश पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया, ठीक है। ये इनकी बड़ी फेमस किताब है, याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ये दादा भाई नौरोजी की बुक है, ठीक है। ये बुक पब्लिश हुई थी 1901 के अंदर, इंपॉर्टेंट है ये, याद रखना है आपको, ठीक है। 1901 में ये किताब जो है पब्लिश हुई थी, और इस किताब में इन्होंने ये बताया है कि अंग्रेजों की क्या इकोनॉमिक पॉलिसी थी, ठीक है, अंग्रेजों की क्या इकोनॉमिक पॉलिसीज थी उसके बारे में बताया गया है। और इसी थियरी को, है ना, इसी थियरी को एक और नाम से जाना जाता है, दैट इज ड्रेन थियरी, ड्रेन थियरी, है ना, ड्रेन थियरी। तो इसी को हम लोग ड्रेन थियरी या धन निष्कासन का सिद्धांत भी कहते हैं, ठीक है, ड्रेन एंड वेल्थ थियरी बोलते हैं, इसी को बोलते हैं धन का निष्कासन सिद्धांत। ये जो है आपका पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ठीक है, 1901 में पब्लिश हुई थी दादा भाई नौरोजी जी की, ठीक है। इसके अलावा याद रखना, दादा भाई नौरोजी जी ने 3 बार कांग्रेस की अध्यक्षता की है, ठीक है, कांग्रेस की इन्होंने 3 बार अध्यक्षता की थी। क्वेश्चन एक बार पूछा था, स्टेटमेंट में आया था कि इनमें से किन्होंने कांग्रेस की अध्यक्षता 3 बार की थी, ठीक है, ऐसे प्रश्न आया था पेपर में, ठीक है ना। 3 बार अध्यक्षता की थी, कब कब की थी, तो पहली बार इन्होंने 1886 में की थी, पहली बार इन्होंने 1886 में कांग्रेस की अध्यक्षता की, दूसरी बार इन्होंने 1893 में अध्यक्षता की थी कांग्रेस की, और तीसरी बार इन्होंने 1906 में करी थी, ठीक है, तीसरी बार 1906 में करी थी, है ना, याद रखना। अब तीनों का प्लेस भी याद रखना, क्योंकि अब एग्जाम में ना अब थोड़ा ट्रेंड बदल गया है, अब आपसे ट्रिकी क्वेश्चन पूछा जा रहा है, क्योंकि लेवल बहुत बढ़ रहा है, आपको हर तरीके से अपनी तैयारी करनी है, रटा पिटा घिसा पिटा सब पढ़ते हैं, ठीक है, आप क्या नया पढ़ते हो वो इंपॉर्टेंट हो रहा है, ठीक है। तो 1886 में ये इन्होंने अधिवेशन की अध्यक्षता की थी कलकत्ता के अंदर, ठीक है, कलकत्ता के अंदर। 1893 में जो अध्यक्षता की थी इन्होंने, वो किया था इन्होंने लाहौर के अंदर, लाहौर के अंदर, और 1906 में इन्होंने कलकत्ता के अंदर, ठीक है, 1906 में कलकत्ता के अंदर, है ना। तो ये ध्यान रखना, तीनों का प्लेस भी याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। चलो इसके अलावा क्या याद रखोगे आप लोग, दादा भाई नौरोजी जी के बारे में आपको याद रखना है, हाँ, 1906 वाले अधिवेशन में याद रखना, 1906 वाले अधिवेशन में इन्होंने पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया था, ठीक है, स्वराज शब्द का जो है प्रयोग इन्होंने 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में किया था दादा भाई नौरोजी ने। लेकिन इस बात को भी याद रखना, स्वराज शब्द का पहली बार जो स्वराज शब्द की जो उत्पत्ति है वो आपका किसने किया था, इसकी उत्पत्ति यानी कि ये शब्द किसने दिया था, तो स्वराज शब्द ने दिया था स्वामी दयानंद सरस्वती ने, याद रखना, स्वराज शब्द जो है वो स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया है, लेकिन इसका जो प्रयोग है पहली बार वो दादा भाई नेहरू जी ने 1906 में कलकत्ता के अधिवेशन में किया था, ठीक है, इस बात को ध्यान रखना। इसके अलावा याद रखना, दादा भाई नेहरू जी ने पहली बार भारत में नेशनल इनकम की बात की, ठीक है, नेशनल इनकम की बात करने वाले व्यक्ति सबसे पहली बार यही थे, मतलब कि राष्ट्रीय आय, भारत में पहली बार राष्ट्रीय आय के बारे में बात करने वाले व्यक्ति कौन थे, दादा भाई नौरोजी थे, है ना। और यहीं पे इन्होंने पर कैपिटा इनकम की भी बात की थी, दादा भाई नौरोजी ने यहीं पे किसकी बात की थी, पर कैपिटा इनकम, पर कैपिटा इनकम की बात की थी, मतलब प्रति व्यक्ति आय, ठीक है, भारत में प्रति व्यक्ति आय की सबसे पहली बार गणना करने वाले जो व्यक्ति थे, ठीक है, पर कैपिटा इनकम को कैलकुलेट करने वाले जो सबसे पहले पर्सन थे इंडिया में, वो दादा भाई नौरोजी थे, ठीक है। तो नेशनल इनकम की बात करने वाले व्यक्ति थे पहली बार, ठीक है, पर कैपिटा इनकम की बात इन्होंने की थी, ठीक है, इनकी बुक जो थी वो याद रखना, ठीक है, इसके ड्रेन थियरी भी बोलते थे ये याद रखना, 3 बार कांग्रेस की अध्यक्षता की, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहते हैं, ठीक है, सारी बातें बिल्कुल याद रखना भाई, है ना, इंडिया एंड पाकिस्तान के। चलो ठीक है, अभी मैं आपके ज्यादा कमेंट नहीं ले रहा हूं, क्योंकि मेरा टारगेट है कि आप परीक्षा में बैठो तो नाचने लगो वहीं पे, ठीक है, कि सारा सवाल वही आ गया सर का, है ना, पेपर आउट हो गया, ठीक है, ध्यान रखना। तो ये दादा भाई नौरोजी के बारे में है ना, इतनी सारी बातें फिलहाल आपको ध्यान में रखनी है। एक और बात याद रखनी है, दादा भाई नौरोजी की एक न्यूज पेपर इन्होंने चलाया था, जो मैंने आज तक अभी तक शायद नहीं बताया किसी क्लास में, वो आप बता रहा हूं, ठीक है, इनके द्वारा एक न्यूज पेपर चलाया जाता था, दैट इज द राफ्ट गुफ्तार, है ना, कौन सी न्यूज पेपर है, कहां लिखे भाई, कहां लिखे, ठीक है, यहां लिख दे रहे हैं, एक न्यूज पेपर जो ये चलाते थे, ठीक है, राफ्ट गुफ्तार, राफ्ट गुफ्तार नामक ये क्या चलाया था, न्यूज़पेपर चलाया था इन्होंने, ठीक है, राफ्ट गुफ्तार नामक इन्होंने क्या चलाया था, न्यूज़पेपर चलाया था, दादा भाई नौरोजी का ही है, याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट, क्लियर है भाई, क्लियर है सबका,
बहुत बढ़िया, वेरी गुड, ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। चलो तो दादा भाई नौरोजी, मैंने आपको बता दिया हमारे इस प्रश्न का ठीक उत्तर तो यही होने वाला है ना, ये बात आप सभी जानते हो। चलो अभी हम बात करें किसके बारे में, किसके बारे में बात करें, चलो फिरोज शाह मेहता के बारे में देख लो फटाफट। फिरोज शाह मेहता के बारे में याद रखोगे, इनके द्वारा एक पत्रिका चलवाई जाती थी, उसका नाम बॉम्बे क्रॉनिकल है ना, बॉम्बे क्रॉनिकल, बॉम्बे क्रॉनिकल, ये क्या था, एक न्यूज़पेपर था, ठीक है, एक न्यूज़पेपर था जो फिरोज शाह मेहता ने चलवाया था। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, रेयर क्वेश्चन होता है ये, ठीक है, ये गलती नहीं करना। फिरोज शाह मेहता की एक पत्रिका थी जिसका नाम था बॉम्बे क्रॉनिकल। इसके अलावा फिरोज शाह मेहता को ही कहते थे, याद रखना, द लायन ऑफ बॉम्बे के नाम से जाना जाता था इनको। किस नाम से जाना जाता था, निकनेम द लायन ऑफ, द लायन ऑफ बॉम्बे, नोट कर लेना दोस्तों, ठीक है, द लायन ऑफ बॉम्बे के नाम से जाना जाता था इनको, ठीक है। द लायन ऑफ बॉम्बे क्यों, ये बंबई के थे, बहुत बड़े वकील थे ये, है ना, बहुत बड़े एडवोकेट थे, बहुत बड़े वकील थे और कांग्रेस पार्टी से संबंधित थे, ठीक है, और इन्होंने बहुत काम किए एज अ एडवोकेट के तौर पर, और अंग्रेजों ने खुश होकर इनको नाइट की उपाधि दी, ये भी याद रखना, अंग्रेजों ने इनकी वकालत से खुश होकर के इनको नाइट की उपाधि दी भाई, नाइट की उपाधि, ठीक है, अंग्रेजों ने उपाधि दी फिरोज शाह मेहता को नाइट की उपाधि, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना, बॉम्बे क्रॉनिकल इनकी पत्रिका है, द लायन ऑफ बॉम्बे बोलते हैं फिरोज शाह मेहता को, और इनको अंग्रेजों ने नाइट की उपाधि दी इनकी वकालत से खुश होकर, ठीक है भाई, क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं आ तक, बोलो भाई। चलो डब्ल्यू सी बनर्जी के बारे में क्या जानते हो, डब्ल्यू सी बनर्जी के बारे में आप जानते हो, ये पहले व्यक्ति थे जो कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे, है ना, यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के, ये क्या बोले जाते हैं, फर्स्ट प्रेसिडेंट, ठीक है, फर्स्ट प्रेसिडेंट, फर्स्ट प्रेसिडेंट, यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, डब्ल्यू सी बनर्जी, बिल्कुल याद रखना, ठीक है, इनके बारे में। सुरेंद्रनाथ बनर्जी के बारे में क्या जानते हो भाई, ठीक है, तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी जी ने एक संगठन शुरू किया था, एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया था जिसका नाम था इंडियन एसोसिएशन, ठीक है, इन्होंने एक संगठन बनाया था जिसका नाम था इंडियन एसोसिएशन, इंडियन एसोसिएशन, बिल्कुल ऐसे ही पेपर में आता है, कब बनाया था, 1876 में, ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही पेपर में, कभी कभी मिलान करने के लिए आएगा कौन सा एसोसिएशन कब बना, ठीक है, तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने एक एसोसिएशन बनाया दैट इज इंडियन एसोसिएशन, और कब बना था, 1876 में, ठीक है, बाद में आगे चल करके इंडियन एसोसिएशन को मर्ज कर दिया गया था कांग्रेस के साथ, ठीक है, कांग्रेस का गठन 1885 में हुआ था और आगे चल के यही जो एसोसिएशन है वो कांग्रेस पार्टी में इसका क्या कर दिया गया, विलय कर दिया गया था, मतलब कि इसको मर्ज कर दिया गया था कांग्रेस पार्टी में, ठीक है, तो याद रखना इंडियन एसोसिएशन सुरेंद्रनाथ बनर्जी से संबंधित है, क्लियर है, चारों ऑप्शन बिल्कुल शीशे की तरह साफ हुआ कि नहीं भाई, ये बताओ, चारों ऑप्शन जो है वो शीशे की तरह साफ हुआ कि नहीं, इसी तरीके से बिल्कुल तैयारी एकदम मजबूती के साथ करनी है भाई, ठीक है, जल्दी से एक बार सेशन को शेयर करो, है ना, एक बार क्लास को फटाफट शेयर करना है सभी अपने ग्रुप में, ठीक है, ताकि बच्चे और देखें और आगे बढ़ते चले। चलो आगे बढ़ा, नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ तक में कुछ और ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये दादा भाई नौरोजी है ना, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया आपके, ठीक है, और आप देख सकते हो यहाँ पे लिखा हुआ है दैट इज द, यहाँ पे एक मिनट, तो आप देख सकते हो है ना, 1825 में इनका जन्म हुआ था और 1917 में जो है इनकी मरण हुआ था, ठीक है, 1825 में जन्म हुआ था, 1925 में मरण हुआ था, तो याद रखना क्वेश्चन एसएससी सीजीएल में ये आया था कि दादा भाई नौरोजी का जन्म कब हुआ था, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन। तो तीन बार कांग्रेस के अध्यक्ष बने हैं, ये भी याद रखना, तीन बार कांग्रेस के अध्यक्ष बने हैं, कब कब बने हैं, ठीक है, एक बार जल्दी से रिकॉल कर लेना, 1886 में बने थे जो कलकत्ता में हुआ था, ठीक है, फिर आपका 1893 में बने थे, कहां पर हुआ था, लाहौर में हुआ था, और आपका 1906 में ये भी कलकत्ता में हुआ था, ठीक है, और इसी सेशन में इन्होंने स्वराज शब्द का प्रयोग किया था, है ना, स्वराज शब्द का प्रयोग किया था, बिल्कुल, अब तो रट गया होगा क्वेश्चन, रट जाओ एकदम, इतनी बार करा दूंगा कि क्वेश्चन रट जाएगा, ठीक है, चलो आगे बढ़ो, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ फटाफट, इसका उत्तर दो, इसका उत्तर दो सब लोग, वो सत्येंद्रनाथ टैगोर है, बिल्कुल आशीष जी, है ना, सत्येंद्रनाथ टैगोर है जो पहले आईएएस का एग्जाम क्लियर किए थे, ठीक है, ये आगे क्वेश्चन कराएंगे, डोंट वरी, घबराओ नहीं, आराम से पढ़ो पहले, ठीक है। चलो क्वेश्चन क्या है भाई, देखो द होम रूल लीग वेयर स्टार्टेड इन, होम रूल लीग बहुत सुना है आपने, ठीक है, होम रूल लीग का नाम बहुत सुना है, जरा इस क्वेश्चन को करो सब, इस क्वेश्चन को करो सब, होम रूल लीग, लीग वेयर स्टार्टेड इन 1915-16 में, ठीक है, अंडर द लीडरशिप ऑफ, चलो है साधारण प्रश्न, लेकिन आपको केवल इस प्रश्न से संतुष्ट नहीं होना है, इस प्रश्न से बहुत सारी बातें आपको बताऊंगा, जल्दी से पहले इसका उत्तर कर दो, जल्दी से पहले इसका उत्तर कर दो, फिर आगे बढ़ाएंगे, फटाफट इसका उत्तर करो जल्दी से।
चलो पहली बात तो देखो, अब ये ऐसा प्रश्न नहीं आने वाला आपकी परीक्षा में, खासतौर पर एसएससी सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, दिल्ली पुलिस हो, यूपी पुलिस हो, ठीक है। अब बहुत ही कॉमन क्वेश्चन हो गया है कि होम रूलिंग मूवमेंट कब शुरू हुआ, किसने शुरू किया, ठीक है, ये बहुत कॉमन क्वेश्चन हो गया। अब आपसे ये आपको ये जानना है कि इसका ऑब्जेक्टिव क्या था, है ना, होम रूल लीग मूवमेंट को शुरू करने का उद्देश्य क्या था, ऑब्जेक्टिव क्या था। तो सुनिएगा ऑब्जेक्टिव क्या था और अपने दिमाग में भर लीजिएगा कि होम रूल लीग मूवमेंट क्यों शुरू किया गया था। होम रूल का मतलब होता है कि अपने घर का आंदोलन, समझ रहे हो, इसका अगर मतलब निकालोगे ना होम रूल लीग का, तो इसका मतलब है अपने घर का आंदोलन, मतलब कि इस आंदोलन के माध्यम से, है ना, इस मूवमेंट के माध्यम से, इसके माध्यम से, होम रूल लीग के माध्यम से जो कुछ पॉलिटिकल पार्टियां दब गई थी, है ना, कुछ पॉलिटिकल पार्टियां दब गई थी, कुछ बड़े बड़े लीडर जो है वो अंग्रेजों के दबाव में दब गए थे, मतलब कि अपनी बात को नहीं रख पाते थे अंग्रेजों के दबाव में। तो होम रूल लीग मूवमेंट इसलिए शुरू किया गया ताकि ऐसे पॉलिटिकल पार्टी जो दबे हुए हैं वो उनके अंदर कॉन्फिडेंस आए, ठीक है, उनके अंदर वो बल आए ताकि वो अंग्रेजों को फेस कर सके, है ना, अंग्रेजों से मुकाबला करने में वो ताकत आए। तो कहते हैं ना कि कोई कमजोर पड़ जाता है तो हम उसको मोटिवेट करते हैं, है ना, हम उसको जब मोटिवेट करते हैं तो वो मोटिवेट हो जाता है और फिर नए एनर्जी के साथ काम करता है। उसी तरीके से हमारे उस समय 1915-16 के दौरान जो है भारत में बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टियां थी जो अंग्रेज के दबाव में दब गई थी, बहुत सारे बड़े बड़े लीडर थे जो अपनी बात अंग्रेजों से नहीं कह पाते थे, डरते थे या जो भी प्रेशर था, ठीक है। तो इस मूवमेंट के माध्यम से उनके अंदर के कॉन्फिडेंस को मजबूत किया गया, है ना, उनके अंदर के कॉन्फिडेंस को बढ़ाया गया कि भाई अंग्रेजों का फेस करो, अंग्रेजों को फेस करो, अंग्रेजों का सामना करो, है ना, तभी हमें आजादी मिलेगी, है ना, समझ रहे हो। तो ये क्या था, ये जो ऐसे लोगों को जोश भरने का काम किया जो दब गए थे लोग, है ना, जो अंग्रेजों के दबाव में दब गए थे, तो उनके अंदर जोश भरने के लिए ये मूवमेंट को शुरू किया गया था। क्लियर है, बहुत ध्यान से याद रखना। इसका ऑब्जेक्टिव भी पूछा जा सकता है कि होम रूल लीग आंदोलन शुरू करने के क्या कारण थे, समझ रहे हो, ये तो सबको पता है कि 1915-16 में शुरू किया गया और इसको शुरू किया किसने, तो इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ये सबको पता है कि एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक ने शुरू किया था भाई, ठीक है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन आपको मेरा ये क्वेश्चन लेने का मतलब ये था कि आपको मैं ऑब्जेक्टिव बता पाऊं कि इसका उद्देश्य क्या था। तो उद्देश्य यही था कि जो दबे कुचले लोग थे उनके अंदर कॉन्फिडेंस भरना, ठीक है, ताकि आप अंग्रेजों से क्या करो, फाइट कर सको, है ना, अंग्रेजों से सामना कर सको, दबो नहीं, दबना नहीं है, समझ रहे भाई, समझ रहे हो सब, अपने राइट्स के लिए लड़ना है, ठीक है, दबना नहीं है, अपने अधिकार के लिए लड़ना है, ये नहीं कि हमारे अधिकार हैं हम अंग्रेजों के दबाव में दबे हुए हैं, समझ पाए, चलो भाई ठीक है। तो एनी बेसेंट एंड लोकमान्य तिलक हमारा इसका करेक्ट आंसर होगा। चलो एनी बेसेंट के बारे में जल्दी से क्या क्या बातें आप जानते हो, एनी बेसेंट के बारे में क्या बात जानते हो जो एग्जाम में आ सकता है, इंपॉर्टेंट है। पहली बात जो एग्जाम में आ सकता है वो ये है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस की क्या है, फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट, क्लियर है, ये बात तो जानते हो ना कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष जो थी वो एनी बेसेंट थी, ठीक है, एनी बेसेंट थी। और इन्होंने कहाँ पे अध्यक्षता की थी कांग्रेस की, तो इन्होंने अध्यक्षता की थी 1917 में, कहाँ पे, कलकत्ता के अंदर, ठीक है, कलकत्ता के अंदर इन्होंने कांग्रेस की अध्यक्षता की थी 1917 में, और इनको इंडियन नेशनल कांग्रेस का पहला फीमेल प्रेसिडेंट कहा जाता है, क्लियर है। चलो इसके अलावा एनी बेसेंट के बारे में क्या जानते हो, ये आयरलैंड से आई थी भारत, कहां से आई थी, आयरलैंड से आई थी भारत, इस बात को ध्यान रखना है, ठीक है। इसके अलावा याद रखना इनकी जो बड़ी फेमस बुक है वो है आपका कॉमन व्हील, ठीक है, ये पुस्तक है, इनकी किताब है जो इनके द्वारा लिखी गई है, तो याद रखना कॉमन व्हील, ठीक है, कॉमन व्हील किसकी किताब है, तो एनी बेसेंट की किताब है। इसके अलावा जो होम रूल लीग मूवमेंट था ये दो लोगों ने स्टार्ट किया था, जैसा कि आप सभी जानते हो, बाल गंगाधर तिलक ने और एनी बेसेंट ने। तो एनी बेसेंट ने जो होम रूल लीग को स्टार्ट किया था वो कहां से स्टार्ट किया था, वो मद्रास से स्टार्ट किया था, ठीक है। तो एनी बेसेंट ने होम रूल लीग को कहां से स्टार्ट किया था, मद्रास से स्टार्ट किया था, और लोकमान्य तिलक जी ने इस मूवमेंट को स्टार्ट किया था दैट इज बॉम्बे वाला पोर्शन में, और जो हेडक्वार्टर बनाया था वो पुणे बनाया था महाराष्ट्र के अंदर, ठीक है। तो जो बीजी तिलक थे उन्होंने इस आंदोलन को स्टार्ट किया था पुणे से, पुणे महाराष्ट्र, और जो आपकी एनी बेसेंट थी उन्होंने आंदोलन को स्टार्ट किया था पुणे, यहां से मद्रास के अंदर से, जो तमिलनाडु में है, चेन्नई में, क्लियर है भाई। इंडियो थियोसॉफिकल सोसाइटी, पुनीत रघुवंशी भाई, देखो थियोसॉफिकल सोसाइटी की भारत में सदस्य बनी थी, इंडिया में सदस्य बनी थी, और जो थियोसॉफिकल सोसाइटी का गठन हुआ था वो न्यूयॉर्क के अंदर हुआ था, जिसको बलात्वस्की और कर्नल आलकाट ने इसको शुरू किया था, ठीक है। तो थियोसॉफिकल सोसाइटी से संबंधित है, एनी बेसेंट जो है थियोसॉफिकल सोसाइटी की भारत में सदस्य बनी थी, और थियोसॉफिकल सोसाइटी बेसिकली जो शुरू हुआ था पहली बार वो न्यूयॉर्क के अंदर शुरू हुआ था 1875 के अंदर, और उसकी जो उसको जो शुरू किया था दैट इज मैडम बलात्वस्की ने, है ना, और भारत में इन्होंने शुरू किया था, ठीक है। इंडिया में पूछेगी इंडिया में थियोसॉफिकल सोसाइटी को किसने शुरू किया, तो एनी बेसेंट होगा, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है ना, इंडिया में पूछेगा तब आपको कहना है दोस्त, ठीक है। चलो लोकमान्य तिलक के बारे में तो
कितनी बार आपको बता चुका हूँ, इनके नाम में ही लोकमान्य है, मतलब कि इनका पूरा नाम था बाल गंगाधर तिलक, इनका पूरा नाम था बाल गंगाधर तिलक, इन्हीं को प्यार से लोकमान्य कहते थे। अब सवाल ये है कि लोकमान्य टाइटल किसने दिया, सवाल ये है कि ये लोकमान्य टाइटल किसने दिया, तो ये लोकमान्य का मतलब होता है लोगों द्वारा मान्य, लोगों के द्वारा मान्य, मतलब कि लोगों ने दिया है ये टाइटल, किसी व्यक्ति ने नहीं दिया है, ये लोगों के द्वारा दिया गया टाइटल है लोकमान्य, ठीक है, लोगों के द्वारा मान्य, समझ रहे हो, ठीक है। इसके अलावा याद रखना लोकमान्य तिलक के बारे में इनकी जो बड़ी फेमस किताब है, बुक है, वो याद रखना, दैट इज द गीता रहस्य, ठीक है, गीता रहस्य। तो गीता रहस्य किसकी किताब है, तो बीजी तिलक की किताब है, बाल गंगाधर तिलक की किताब है, याद रखना, ठीक है। इसके अलावा दो इनके जो पत्रिका है, न्यूज़पेपर, कई बार बताया है मैंने मराठा एंड केसरी, कई बार बताया है मैंने मराठा एंड केसरी जो न्यूज़पेपर है वो इन्हीं का है, मराठा एंड केसरी। अब यहां से क्या है ना कि सवाल थोड़ा सा अपर होगा, सवाल थोड़ा सा बढ़ जाएगा, कैसे सवाल बढ़ जाएगा दोस्त, मराठा किस भाषा में लिखी गई थी, है ना, मराठा जो है वो किस भाषा में न्यूज़पेपर था और केसरी किस भाषा में था, ठीक है, सिंपल क्वेश्चन आपसे आ सकता है। तो मराठा जो था बेसिकली ये आपका था इंग्लिश में, इंग्लिश में, ठीक है, और केसरी जो था ये मराठी में था, ठीक है, नाम पे मत जाना, मराठा से नाम पे मत जाना कि मराठा नाम है तो मराठी भाषा में होगा, ठीक है, नाम पे मत जाना, मराठा जो था इंग्लिश में शुरू हुआ था और जो केसरी पत्रिका थी वो आपका मराठी भाषा में थी, ठीक है, याद रखना, क्वेश्चन ये कभी कभी ट्विस्ट कर देता है पेपर में, ठीक है ना, ध्यान रखना। गीता रहस्य है ना, ये बीजी तिलक, इसके बारे में याद रखना, इनकी जो डेथ हुई थी, बीजी तिलक जी की जो डेथ हुई थी वो आपका हुआ था कब, 1 अगस्त 1920 को, है ना, इनकी डेथ हुई थी बीजी तिलक साहब की 1 अगस्त 1920 को, 1 अगस्त 1920 को डेथ हुई थी, और इसीलिए 1 अगस्त को ही महात्मा गांधी जिन्हें नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को शुरू किया था, ठीक है, इन्हीं के डेथ वाले दिन ही, इन्हीं की डेथ वाले दिन ही महात्मा गांधी जी ने क्या शुरू किया था, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, जिसको असहयोग आंदोलन भी कहते हैं, ठीक है, इस बात को भी ध्यान रखना आपको, ठीक है, इस बात को भी ध्यान रखना है आपको, ठीक है, असहयोग आंदोलन शुरू किया था इसी दिन, ठीक है भाई। और कुछ रह गया, लोकमान्य तिलक, ठीक है, और इन्होंने जो इनका एक बड़ा प्रसिद्ध स्लोगन है, इनका बड़ा प्रसिद्ध टाइटल है एक, कि स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, ठीक है, ये आप सबने सुना होगा, ये इन्होंने दिया था, ठीक है भाई, क्लियर है, चलो, तो मुझे लगता है कि यहां तक सही हो गया, ठीक है। तो इतनी बातें फिलहाल आपको जानना है, होम रूल लीग मूवमेंट आप सभी जानते हो, ठीक है, किसने शुरू किया सबको पता है, लेकिन इसका ऑब्जेक्टिव मेन मुझे बताना था इस क्वेश्चन में, किसका ऑब्जेक्टिव क्या था वो मैंने डिस्क्राइब किया, और एनी बेसिन के बारे में आप लोग जानते रहिएगा, जो भी क्वेश्चन बनता है वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। ये आप देख सकते हो बीजी तिलक है और ये एनी बेसेंट है, ठीक है ना, ये हमारे बाल गंगाधर तिलक जी हैं, ये हमारी एनी बेसेंट जी हैं, ठीक है ना, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, आ जाओ भाई फटाफट उत्तर करें, उत्तर करिए फटाफट। देखो मैं आपके कमेंट ज़्यादा नहीं ले रहा है ना, क्वेश्चंस मुझे जो है वो टैकल कराने हैं ताकि आप क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ पाओ, ठीक है, बाकी मैं आपके कमेंट देखता हूँ, कुछ मुझे इंपॉर्टेंट लगेगा तो मैं बोल दूंगा, ठीक है, आपका कोई भी डाउट हो आप लिखते रहना, मुझे लगेगा कि बोलना चाहिए तो मैं बोल दूंगा, ठीक है। और भाई जो लोग भी क्लास देख रहे हो ना, एक बार सेशन को शेयर जरूर कर देना, क्योंकि ये सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है और मैं चाहूंगा कि इसमें आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को जरूर जोड़िए, ठीक है, और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिए, ठीक है ना, ये आपसे ये रिक्वेस्ट होने वाली है। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा है, करो या मरो का नारा किसने दिया, ठीक है भाई, ये तो सवाल आ गया आपके जून का, ठीक है, करो या मरो का नारा किसने दिया भाई, चलो डू और डाई। तो याद रखना एक मूवमेंट का नाम याद रखना, पहले तो आपको एक आंदोलन का नाम याद रखना है, कौन सा, क्विट इंडिया मूवमेंट, जल्दी से इसके बारे में थोड़ा सा रिकॉल करते हैं हम लोग, क्विट इंडिया मूवमेंट, ठीक है, क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन, कौन सा आंदोलन है ये, भारत छोड़ो आंदोलन, इसके बारे में समझना, ये क्विट इंडिया मूवमेंट जो है, भारत छोड़ो आंदोलन जो है, ये आपका स्टार्ट हुआ था 8 अगस्त 1942 को, समझिएगा इस क्वेश्चन को, 8 अगस्त 1942 को ये आंदोलन शुरू हुआ था, ठीक है, मतलब स्टार्ट हुआ था इस दिन 8 अगस्त को, और कहां से इसकी शुरुआत हुई थी, तो इसकी शुरुआत जो हुई थी वो हुई थी ग्वालिया टैंक से, ग्वालिया टैंक जगह का नाम है, जो था आपका कहाँ पे, ये था आपका मुंबई के अंदर, ठीक है, ये आपका था मुंबई के अंदर, यहीं से इसकी घोषणा हुई थी क्विट इंडिया मूवमेंट की, और यहीं पे गांधी जी ने जो नारा दिया था, ये गांधी जी ने, दैट इज द करो या मरो, ठीक है, गांधी जी ने नारा दिया है, किसने, करो या मरो, ये बात तो बिल्कुल क्लियर है, ये बात आप सब जानते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो अब एक बात सुना कि भारत छोड़ो ये नारा किसने दिया था, अब बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ आपको, ठीक है, भारत छोड़ो ये नारा किसने दिया था, यानी कि क्विट इंडिया ये वर्ड किसने दिया था, ये इंपॉर्टेंट है, जरा कमेंट करके बताओ, ठीक है, जरा कमेंट करके बताओ कि क्विट इंडिया वर्ड जो है ये किसने दिया था, भारत छोड़ो जो ये शब्द है किसने दिया था, बताना जरा कमेंट करके, कोई बताओ जरा, देखे जरा किसको पता है, जल्दी से फटाफट, भारत छोड़ो ये शब्द किसने दिया था, क्विट इंडिया वर्ड किसने दिया था,
बताओ भाई जल्दी बताओ, ये वर्ड जो है वो किसने दिया था, क्या पता है किसी को? पता है किसी को वर्ड किसने दिया था? उत्तर नहीं आया अभी तक। सुभाष चंद्र बोस? नहीं, गलत। चलो तो वर्ड दिया था ये यूसुफ मेहर अली ने। यूसुफ मेहर अली याद रख लेना, पेपर में छपेगा यूसुफ मेहर अली, ठीक है। तो यूसुफ मेहर अली ने भारत छोड़ो ये शब्द दिया था, ठीक है, ध्यान रखेंगे। और बेसिकली 8 अगस्त 1942 को ये स्टार्ट हुआ था, लेकिन कहीं कहीं पे एक बार पीसीएस में क्वेश्चन आया था, ठीक है, एक बार पीसीएस में क्वेश्चन आया था किसी पीसीएस में, तो उसमें क्या नाम है डेट जो 8 अगस्त ऑप्शन में नहीं था, ठीक है, तो उस केस में जो आपको टिक करना था दैट इज 9 अगस्त 1942। क्यों 9 अगस्त टिक करना था? क्योंकि कांग्रेस ने इसी दिन शुरू किया था, INC जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस ने ऑफिशियली इस मूवमेंट को शुरू किया था 9 अगस्त 1942 को, ठीक है। 8 अगस्त 1942 को आह्वान तो हो गया था, ग्वालियर टैंक महाराष्ट्र में मुंबई में इसका बिगुल तो फूंक दिया गया था 8 अगस्त को, लेकिन ऑफिशियली जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है उसने शुरू किया था 9 अगस्त 1942 को। तो ध्यान रखेंगे, जो ऑप्शन है उसके हिसाब से डील कर लीजिएगा, ठीक है ना, ध्यान रखना। चलो, और वर्ड किसने दिया था क्विट इंडिया का? दैट इज यूसुफ मेहर अली। डू और डाई महात्मा गांधी जी का स्लोगन था, ये बात आप लोग जानते होंगे। और किसके रिस्पॉन्स में यह मूवमेंट शुरू किया गया था, वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा, क्विट इंडिया मूवमेंट जो है वो किसके रिस्पांस में शुरू किया गया था, किसी के रिस्पांस में शुरू किया गया था। रिस्पांस मतलब कि ऐसा क्या हुआ था कि क्विट इंडिया मूवमेंट शुरू करना पड़ा, ठीक है, ऐसा क्या हुआ कि भारत छोड़ो आंदोलन शुरू करना पड़ा था। तो इसके पहले अंग्रेजों ने क्रिप्स मिशन भारत भेजा था, क्रिप्स मिशन, और क्रिप्स मिशन के विरोध में ही जो है इसको शुरू किया गया था। तो सवाल पूछेगा आपसे कि जो क्विट इंडिया मूवमेंट है वो किसके रिस्पांस में शुरू किया गया था, तो आप कहोगे क्विट इंडिया मूवमेंट जो है वो किसके रिस्पांस में, तो दैट इज क्रिप्स मिशन के रिस्पांस में, क्योंकि क्रिप्स मिशन भारत आया था, ठीक है, इसने अपनी बात रखी थी लेकिन इसकी बात को नहीं माना गया, और क्रिप्स मिशन के प्रस्ताव को गांधी जी ने क्या बोला था, पोस्ट डेटेड चेक, गांधी जी ने एक नाम दिया था इसको पोस्ट डेटेड चेक, ठीक है। तो क्रिप्स मिशन के प्रस्ताव को गांधी जी ने बोला था पोस्ट डेटेड चेक, और इसी क्रिप्स मिशन के बाद ही जो है वो क्विट इंडिया मूवमेंट शुरू किया गया था, क्लियर है। इस बात को थोड़ा सा रिकॉल करते रहना और रिलेट करते रहना चीजें, है ना दोस्त। चलो, सिंह विशाल जी, मोहित जी, शाबाश, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, ठीक है। चलो तो रिलेट करते रहना, पोस्ट डेटेड चेक बोला था गांधी जी ने, और इसी का रिस्पॉन्स था ये क्विट इंडिया मूवमेंट, क्रिप्स मिशन का ही रिस्पॉन्स था क्विट इंडिया मूवमेंट, ठीक है भाई। चलो आगे बढ़े इससे पहले कुछ और बातें आपको बता दूं क्या, कुछ और बातें। चलो, सरदार पटेल जी संबंधित हैं, आप सभी जानते हो, बारदोली मूवमेंट से, ठीक है। किस मूवमेंट से ये संबंधित हैं? तो ये बारदोली आंदोलन से संबंधित थे सरदार पटेल जी, ठीक है। इसके अलावा इन्होंने कांग्रेस की एक अधिवेशन की अध्यक्षता की थी 1931 में कराची में, ठीक है, कराची में 1931 में इन्होंने कांग्रेस की अध्यक्षता की थी, और इसी अधिवेशन में जो है 1931 में ही फंडामेंटल राइट का प्रस्ताव रखा गया था, ठीक है, मौलिक अधिकार का प्रस्ताव रखा गया था, ठीक है। तो क्वेश्चन पूछता है कि भाई मौलिक अधिकार का प्रस्ताव जो है कांग्रेस के किस अधिवेशन में रखा गया था, तो 1931 कराची के सेशन में रखा गया था, ठीक है। और एक सवाल पूछता है कि फंडामेंटल राइट का ड्राफ्ट किसने तैयार किया था, ठीक है, जो मौलिक अधिकार का ड्राफ्ट है, प्रारूप है, वो किसने तैयार किया था, तो जवाहरलाल नेहरू जी ने तैयार किया था, याद रखना। किस सेशन में रखा गया फंडामेंटल राइट की बात, किस अधिवेशन में की गई थी, तो कराची अधिवेशन में, जिसकी अध्यक्षता सरदार पटेल जी कर रहे थे, है ना, अध्यक्षता सरदार पटेल जी कर रहे थे, लेकिन जो फंडामेंटल राइट का ड्राफ्ट है, जो प्रारूप है, वो तैयार किया था जवाहरलाल नेहरू ने, याद रखना, मेरी एक एक बातों को बहुत सटीकता से पकड़ के रखना, ठीक है, बहुत बढ़िया। मनु सहरावत जी, फंडामेंटल राइट 1931 में पहली बार इसकी बात हुई थी, सरदार पटेल जी अध्यक्ष थे कांग्रेस पार्टी के, लेकिन इसका जो ड्राफ्ट है वो तैयार किया था जवाहरलाल नेहरू ने, ठीक है भाई। चलो बहुत बढ़िया, नेक्स्ट। सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में तो क्या ही बोलूं, आप सभी लोग बहुत अच्छे से जानते हो, है ना, फिर भी मैं थोड़ी बहुत बात आगे करूंगा, अभी नहीं, क्योंकि आगे के क्वेश्चन में मैंने रखा है इनका नाम, ठीक है, तो आगे में बात कर लेंगे, ठीक है भाई। चलो, जवाहरलाल नेहरू के बारे में आपको कुछ बातें जरूर याद रखनी है ना। जवाहरलाल नेहरू की कुछ पुस्तकें हैं, कुछ किताबें हैं जिनको आपको नोट करके रखना है, ठीक है। कितनी किताबें आपको याद है आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिए, और जितनी किताबें इंपॉर्टेंट है जरा मैं भी लिख देता हूं आपके लिए, ठीक है। चलो, तो जवाहरलाल नेहरू की कुछ पुस्तकें आपके लिए सामने लिख रहा हूं, इसको नोट कर लेना सब, ठीक है। चलो, जवाहरलाल नेहरू की कुछ पुस्तकें हैं, नोट कर लेना, क्वेश्चन गलत ना हो आपका, ठीक है। चलो, क्या क्या पुस्तकें आपको याद है? तो पहला जो मुझे याद आ रहा है, दैट इज द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ठीक है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ठीक है। इसके अलावा एन ऑटोबायोग्राफी, इसके अलावा क्या है भाई, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, हाँ, ग्लिम्सेस ऑफ द वर्ल्ड हिस्ट्री,
ठीक है। नेक्स्ट है लेटर टू द डॉटर्स, लेटर्स टू द डॉटर लिखते रहना आप भी भाई, है ना, कमेंट करते रहो कितना आता है आपको, है ना। मैं तो चलो बता ही दूंगा जो भी है, लेकिन आप कमेंट करके बताते रहिए कि आपको कितना आता है भाई। डिस्कवरी ऑफ इंडिया, एन ऑटोबायोग्राफी, ग्लिम्सेस ऑफ द वर्ल्ड हिस्ट्री, ठीक है, क्लियर है, आगे बढ़े, बोलो भाई याद आ रहा है। और कौन सा है भाई, और कौन सा है, हाँ एक और है, अ बंचेस ऑफ ओल्ड लेटर्स, है ना, अ बंचेस ऑफ ओल्ड लेटर्स, क्लियर है। कुछ और याद आ रहा है, भारत की खोज, बिल्कुल ठीक है, वेरी गुड। एन ऑटोबायोग्राफी, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ग्लिम्सेस ऑफ, बिल्कुल मोहित जी, मैंने सारा यहाँ पे लिख दिया है, ठीक है, जरा देख लो, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ये सारे याद रखना आपको, सारे याद रखना आप लोग। चलो आगे बढ़ जाएं, ठीक है। तो नेहरू जी की कुछ इंपॉर्टेंट ये पुस्तकें हैं जो आपको ध्यान में रखनी थी, ठीक है, नेहरू जी के द्वारा ये कुछ इंपॉर्टेंट किताबें थी जो आपको ध्यान रखनी थी, और ठीक है आपने देख तो लिया होगा क्वेश्चन। चलो एक बार देख लो यहाँ पे कहाँ गया क्वेश्चन, कहाँ गया, ठीक है। चलो तो नेहरू जी की किताबें मैंने आपको बता दिया यहाँ से, ठीक है। गांधी जी के बारे में तो आप सभी जानते होंगे, ठीक है, गांधी जी के बारे में यहाँ पर तो मैंने आपको सब बता दिया, ठीक है। चलो गांधी जी की एक पत्रिका थी यंग इंडिया, याद रखना गांधी जी की, याद रखना एक यंग इंडिया, ठीक है, यंग इंडिया एक पुस्तक थी गांधी जी की। इसके अलावा गांधी जी की जो बायोग्राफी थी उसका नाम था माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ, सत्य के साथ मेरे प्रयोग, है ना, गांधी जी का ही एक आत्मकथा, ठीक है, गांधी जी की आत्मकथा का नाम सत्य के साथ मेरे प्रयोग, जिसको हम बोलते हैं माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ, क्लियर है। एक्सप्लेन इन हिंदी प्लीज, हिंदी क्या एक्सप्लेन करना हिंदी में, किताब का नाम तो हिंदी में, इंग्लिश में एक ही बात है ना एक्रोटाइम जी, है ना, आप जो कह रहे हो दोस्त कि हिंदी में एक्सप्लेन करें, ये हिंदी में तो ही एक्सप्लेन कर रहा हूं, ये बुक का नाम है, ठीक है, ये बुक का नाम है, और बुक का नाम हिंदी इंग्लिश में तो सेम ही रहता है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, भारत की खोज, ठीक है, एन ऑटोबायोग्राफी, है ना, यानी कि एक आत्मकथा किसकी रचना है, तो नेहरू जी की है, ठीक है। ग्लिम्सेस ऑफ द वर्ल्ड हिस्ट्री, है ना, तो ये भी तो भाई बुक का नाम है, इसको इंग्लिश हिंदी सेम ही बोलते हैं, ठीक है। लेटर्स टू द डॉटर्स, यानी अपनी बेटी को इन्होंने लेटर लिखा था, जेल में गए थे एक बार नेहरू जी और जेल से अपनी बेटी को उन्होंने लेटर लिखा था, तो इसी को बोला गया अ लेटर टू हिज डॉटर, ठीक है। अब बंचेस ऑफ ओल्ड लेटर, है ना, ओल्ड लेटर पुरानी जो है, पुरानी जो लेटर्स का उसका संग्रह, तो अब बंचेस ऑफ ओल्ड लेटर्स, तो ये बुक का नाम है, दैट इज आपको इंग्लिश हिंदी सेम ही नाम है, ठीक है ना, इसमें कंफ्यूज मत हो जाइए आप लोग, ठीक है। आप देख सकते हो ये आंदोलन जो स्टार्ट हो रहे हैं, समझ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हरिजन सभा, बिल्कुल मोहित जी, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे जरा देखें जरा क्या है। व्हेन सुभाष चंद्र बोस रिजाइन फ्रॉम द प्रेसिडेंटशिप ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस द सीट वॉज ऑफर्ड टू, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, ठीक है। जब सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया तो इस पद का प्रस्ताव किसे दिया गया, ठीक है भाई, बताएंगे जरा, ठीक है। आप सभी जानते हो कि सुभाष चंद्र बोस जी कांग्रेस के अध्यक्ष रह चुके हैं, है ना, लेकिन एक मूवमेंट ऐसा आया कि सुभाष चंद्र बोस जी का विरोध होने लगा, विरोध मतलब कि इनका महात्मा गांधी जी के साथ थोड़ा सा हस्तक्षेप हो गया, विवाद हो गया, और इस केस में इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था, ठीक है। तो इनके इस्तीफा देने के बाद कांग्रेस का अध्यक्ष बना कौन था, यह सवाल आपके सामने पूछा जा रहा है, ठीक है भाई। चलो मैं बताता हूं आपको, ठीक है। तो सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में, है ना, मैं बताता हूं आपको, ये कांग्रेस के पहली बार अध्यक्ष बने थे 1938 में, ठीक है, 1938 में कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे, कहां पे, हरिपुरा अधिवेशन में, हरिपुरा सेशन हुआ था, जगह का नाम है, और यहीं पर ये कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे 1938 के अंदर, ठीक है। फिर 1939 में ये दोबारा चुने गए सुभाष चंद्र बोस जी, 1939 में ये दोबारा कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए, और किस अधिवेशन में, तो उसको बोलते त्रिपुरी सेशन, जगह का नाम है ये त्रिपुरी सेशन, हिंदी में लिखेंगे त्रिपुरी अधिवेशन, ठीक है, क्लियर है। तो 1947 में दोबारा कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए त्रिपुरी सेशन में, लेकिन गांधी जी ने इनके विरुद्ध, महात्मा गांधी जी ने सुभाष चंद्र बोस के विरुद्ध अपना एक कैंडिडेट खड़ा किया था, जिनका नाम था पट्टाभी सीतारमैया, ठीक है, अपना एक कैंडिडेट खड़ा किया था पट्टाभी सीतारमैया, ठीक है, और गांधी जी चाहते थे कि पट्टाभी सीतारमैया कांग्रेस के अध्यक्ष बने, लेकिन वोटिंग होता था उस टाइम पे, और वोटिंग में सुभाष चंद्र बोस जीत गए थे, ठीक है, त्रिपुरी सेशन जो है वो सुभाष चंद्र बोस जीत गए, कांग्रेस का अध्यक्ष बन गए, लेकिन
सुभाष चंद्र बोस जी को लगा कि गांधी जी नाराज हैं, गांधी जी मेरे अध्यक्ष बनने से खुश नहीं हैं, तो इन्होंने क्या किया, अपने पद से इस्तीफा दे दिया। 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने क्या किया, अपने पद से क्या कर दिया, रिजाइन कर दिया भाई, इस्तीफा दे दिया। ठीक है, अब इनका इस्तीफे के बाद जब इन्होंने इस्तीफा दे दिया तो वो कांग्रेस के अध्यक्ष का पद जो खाली था तो उसको भरने के लिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बुलाया गया। ठीक है, तो अध्यक्ष बने थे कौन, दैट इज डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। ठीक है, इनको बनाया गया था अध्यक्ष जब सुभाष चंद्र बोस जी ने क्या दे दिया था, इस्तीफा दे दिया था। क्लियर है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना, सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है ना, तो ध्यान रखेंगे, कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इन्होंने इस्तीफा दिया और इसके बाद सुभाष चंद्र बोस जी ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। किसकी स्थापना की थी सुभाष चंद्र बोस जी ने, तो इन्होंने फिर इसके बाद फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी, फॉरवर्ड ब्लॉक। ठीक है, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कर दी थी। आप सभी जानते हो सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में, सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में पहले भी डिस्कशन हुआ है। ठीक है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। ठीक है, इसके अलावा इनका एक और नारा बड़ा फेमस है, जय हिंद। ठीक है, जय हिंद भी जो नारा है वो इनके द्वारा दिया गया है। इसके अलावा इनके द्वारा एक और नारा है, कौन सा, दिल्ली चलो। ठीक है, दिल्ली चलो ये भी इनका नारा है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है ना। जितना बताते चलो बस याद रख लेना, एक बंपर रिवीजन हो जाएगा आपका, जो बच्चे आने वाले महीने में सीजीएल और सीएचएसएल का पेपर देने वाले हैं, खासतौर पर जो भी एग्जाम देने वाले हो, तैयार रहना सब। ठीक है भाई, फॉरवर्ड ब्लॉक बनाया था, चलो भाई। ठीक है, चलो तो दिल्ली चलो, जय हिंद, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, है ना, एनऑल जितना भी चीज है आपको याद होना चाहिए। और इनका जन्म कब हुआ था, तो जन्म हुआ था 1897 के अंदर, और कहां पे हुआ था, तो ये मैंने बताया था उड़ीसा के अंदर कटक में इनका जन्म हुआ था 1897 में। एक क्वेश्चन और पूछा है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस एयरपोर्ट कहां पर है, इनके नाम पर एयरपोर्ट कहां पर है भाई, है ना, हवाई अड्डा कहां पे है इनके नाम पर, तो कलकत्ता में है भाई। कहां पर है, कलकत्ता में है। तो ये भी क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है कि इनके नाम से कौन सा हवाई अड्डा है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट पूछता है कहां पर है, तो कलकत्ता के अंदर है। याद रहेगा सबको, भूलेगा तो नहीं किसी को, बहुत बढ़िया। देशनायक, हां जी बिल्कुल, है ना, देशनायक बोलते थे। और सुभाष चंद्र बोस जी ने, सुभाष चंद्र बोस जी ने ही महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता की उपाधि दी थी। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस जी ने ही, इन्होंने ही महात्मा गांधी को क्या बोला था, फादर ऑफ द नेशन, दैट इज राष्ट्रपिता, दैट इज राष्ट्रपिता। तो याद रखना है, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता जो पहली बार कह के संबोधित किया, सुभाष चंद्र बोस जी ने ही। ठीक है, यानी कि फादर ऑफ द नेशन। क्लियर है भाई, क्लियर है, चलो। तो यहाँ पे इतनी बातें तो फिलहाल आपको ध्यान रखना है। और राजेंद्र प्रसाद जी के द्वारा, राजेंद्र प्रसाद जी इसके सही उत्तर है, इनके द्वारा लिखी गई एक बड़ी फेमस बुक है, है ना, इनके द्वारा लिखी गई एक बड़ी फेमस बुक है, कौन सी है जल्दी बताएंगे सब लोग। ठीक है, राजेंद्र प्रसाद जी के द्वारा लिखी गई पुस्तक कौन सी है भाई, तो याद रखेंगे इंडिया डिवाइडेड, नोट कर लेना सब, इनके द्वारा लिखी गई पुस्तक है इंडिया डिवाइडेड, इंडिया डिवाइडेड, डिवाइडेड। ठीक है, क्वेश्चन पूछता है भाई इंडिया डिवाइडेड किसकी रचना है, तो सुभाष चंद्र बोस जी की रचना है। क्लियर है, बिल्कुल मोहित जी, बहुत बढ़िया, जितना आपको याद है सब यहाँ पे बोल दिया करो। ठीक है, जो महात्मा गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे वो गोपाल कृष्ण गोखले थे, बिल्कुल ठीक बात है भाई, है ना, जितना आए सब बोल दो, है ना। चलो, तो राजेंद्र प्रसाद जी की पुस्तक है इंडिया डिवाइडेड, क्लियर है, इतना क्लियर हो गया। जवाहरलाल नेहरू के बारे में आपको बताई दिया, इनकी पुस्तक बुक्स एंड ऑल सब बताई दी आपको, पट्टाभि सीतारमैया के बारे में बताया आपको, इनके बारे में याद रखना, पट्टाभि सीतारमैया के बारे में, इन्होंने इन्होंने कांग्रेस का इतिहास लिखा है, कांग्रेस का इतिहास, कांग्रेस के इतिहास नाम की बुक लिखी है, मतलब इंडियन नेशनल कांग्रेस की हिस्ट्री जो है वो इनके द्वारा लिखी गई है। ठीक है, इंडियन नेशनल कांग्रेस की जो हिस्ट्री है, आईएनसी की जो हिस्ट्री है, वो पट्टाभि सीतारमैया के द्वारा लिखी गई है, और ये वही व्यक्ति हैं जिनको गांधी जी ने सुभाष चंद्र बोस के विरुद्ध खड़ा किया था। ठीक है, चुनाव लड़ने के लिए कांग्रेस के अध्यक्ष पद का, है ना भाई। और जेबी कृपलानी के बारे में आप सब जानते हो, है ना, इनके बारे में याद रखना, ये झंडा समिति के अध्यक्ष थे, याद करो, संविधान सभा में पढ़ते हो तो झंडा समिति के अध्यक्ष कहे जाते हैं ये। ठीक है, फ्लैग कमेटी के अध्यक्ष थे। इसके अलावा याद रखना कि जब भारत आजाद हुआ तो उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष यही थे, इंडिया के आजादी के समय, है ना, एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। ठीक है, एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, भारत की आजादी के टाइम पे कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था, तो जेबी कृपलानी व्यक्ति थे, है ना, उस समय अध्यक्ष यही थे। ये सारे पॉइंट बिल्कुल याद रखना है, बताओ कर पा रहे हो सब, याद कर पा रहे हो कि नहीं, ये बताओ, बोलो 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 फटाफट बोलो, याद कर पा रहे हो कि नहीं, जल्दी आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, सारे ऑप्शन मैंने बता दिया, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आप देख सकते हो राजेंद्र प्रसाद जी का एक फोटो यहाँ पे आपके सामने लगा हुआ है। भारत के पहले राष्ट्रपति बने थे, आप सभी जानते हो, इंडिया के पहले प्रेसिडेंट बने थे, संविधान सभा के अध्यक्ष थे, है ना, ये सारी बात आप जानते हो कि संविधान सभा के इनको अध्यक्ष बनाया गया था, और ये आगे चल के भारत के पहले राष्ट्रपति बने थे। इंडिया डिवाइडेड नाम की इन्होंने पुस्तक लिखी थी, क्लियर है, चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, बहुत बढ़िया, बिहार के थे ये। ठीक है, कहाँ के थे, बिहार के थे, ये भी आपको ध्यान में रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी इजी, वेरी इजी क्वेश्चन, फटाफट बताएंगे,
फटाफट बताएंगे भाई, काजीरंगा नेशनल पार्क कहां पर है भाई? काजीरंगा नेशनल पार्क कहां है? तो मुझे लगता है इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। असम के अंदर है भाई। कहां पर है? असम के अंदर है भाई, ठीक है। और ये फेमस है किसके लिए? ये फेमस है किसके लिए? वन हॉर्न राइनोसेरस, राइनोसोरस के लिए। वन हॉर्न राइनो के लिए फेमस है ये, ठीक है। वन हॉर्न राइनो के लिए, जिसको बोलते हैं हम लोग एक सींग वाला गैंडा, ठीक है। हिंदी में क्या बोलेंगे? एक सींग वाला गैंडा। क्लियर है ना भाई, है ना। वन हॉर्न राइनो के लिए फेमस है काजीरंगा नेशनल पार्क, असम के अंदर है, याद रखेंगे, ठीक है। और क्या जानते हैं इसके बारे में? असम के अंदर और क्या क्या नेशनल पार्क है, कौन कौन सा असम के अंदर क्या क्या है, सब रिकॉल करो। असम के अंदर है आपका मानस नेशनल पार्क, ठीक है। असम के अंदर क्या है? मानस है, ठीक है। इसके अलावा क्या है असम के अंदर? असम के अंदर आपका है काजीरंगा हो गया, ठीक है, काजीरंगा हो गया। ओरंग नेशनल पार्क है यहाँ पे, है ना, ओरंग नेशनल पार्क है, है ना। पटकई, है ना, अब पटकई नेशनल पार्क जो है यहाँ पर, ठीक है, असम के अंदर ही है। मानस हो गया, काजीरंगा हो गया, उरंग हो गया, पटकई है, देहिंग पटकई, है ना। पूरा नाम क्या है इसका? देहिंग पटकई, देहिंग पटकई, याद आ रहा है ना, देहिंग पटकई कहाँ है? असम के अंदर है। और कुछ याद आ रहा है? मानस, ठीक है, काजीरंगा, ठीक है, उरंग हो गया, ठीक है, क्लियर है, बहुत बढ़िया। याद रखो, जो भी चीजें याद है ना, तुरंत यहाँ पे बोलो, यही एक अच्छा तरीका है आपका जीके जीएस में स्कोर करने का। जितना भी आपको आए सब बोल दो, ठीक है, और रिकॉल करो चीजों को बार बार, है ना, बैठे मत रहो, शांत मत बैठो। चलो, तो क्लियर हुआ यहाँ पे असम में, ठीक है, वन हॉर्न राइनो के लिए। और असम में ही याद रखना है, असम में याद रखना है, एक विश्व का, वर्ल्ड का सबसे बड़ा रिवर आइलैंड है यहाँ पे, है ना, वर्ल्ड का सबसे बड़ा रिवर आइलैंड है, दैट इज माजुली। माजुली याद है कि नहीं भाई, ये किसी को याद आ रहा है कि नहीं? माजुली क्या है? तो माजुली है वर्ल्ड का सबसे बड़ा नदी द्वीप, रिवर आइलैंड। क्या बोलते हैं, लिख लेना, वर्ल्ड लॉन्गेस्ट रिवर आइलैंड, रिवर आइलैंड, ठीक है। हिंदी वाले लिख लो, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप, है ना, हिंदी वाले लिख लो, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? माजुली है विश्व का सबसे बड़ा, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप, नदी द्वीप, है ना, वर्ल्ड लॉन्गेस्ट रिवर आइलैंड है। किस नदी पर है ये? माजुली द्वीप है, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, किस नदी पर है? दैट इज ब्रह्मपुत्रा रिवर पर है। किस नदी पे है? ब्रह्मपुत्रा रिवर पर है, ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है, याद रखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भाई, ठीक है, ब्रह्मपुत्र रिवर के ऊपर है, बहुत बढ़िया, शाबाश शाबाश अंसारी जी, बहुत बढ़िया दोस्त, वेरी गुड, ठीक है। तो ये माजुली ब्रह्मपुत्र पे है। अब ब्रह्मपुत्र की कुछ सहायक नदियां भी हैं, जैसे लोहित हैं, कौन कौन सी नदियां जो है माजुली जो है रिवर आइलैंड बनाती हैं, कौन कौन सी नदियां हैं? तो ब्रह्मपुत्र की कुछ सहायक नदियां हैं, ट्रिब्यूटरीज रिवर हैं, जो क्या बनाती हैं? माजुली रिवर आइलैंड बनाती हैं। उसमें कौन कौन सी? तो ब्रह्मपुत्र तो है, इसकी सहायक नदी है कौन कौन सी, याद रखना, दैट इज ये आपका है सुबनसिरी, सुबनसिरी रिवर है, इसके अलावा तिस्ता नदी है, ठीक है, सुबनसिरी है, तिस्ता है, और आपका ये कौन सा है, लोहित है, लोहित रिवर है, ठीक है, तो लोहित रिवर है, सुबनसिरी रिवर है, तिस्ता रिवर है, ये सारी क्या है, ये सहायक नदियां हैं किसकी? आपकी ब्रह्मपुत्र की है, जो आके रिवर आइलैंड बनाती है, जिसका नाम था माजुली। क्लियर है? केरल में पेरियार, साइलेंट वैली, हाँ बहुत बढ़िया मोहित जी, बिल्कुल, केरल कहां पहुंच गए? अच्छा, केरल पहुंच गए, चलो ठीक है, शाबाश। इसी तरह रिवीजन क्या करो, है ना, जितने भी लोग हो, पढ़ने का तरीका यही है, अपने आप को जितना भी पता हो, जो भी क्वेश्चन कराऊं मैं ना, तो जितना आता हो लिखने की कोशिश करो, बाकी जितना मैं बता रहा हूं उसको तो जरूर याद रखना, ठीक है। चलो, मध्य प्रदेश के बारे में ऑलरेडी कई बार बताया है, कौन कौन से नेशनल पार्क यहाँ पे ऑलरेडी कई बार बताया, पन्ना हो गया, ठीक है, और आपका पन्ना के बाद आपका मध्य प्रदेश में बांधवगढ़ हो गया, ठीक है, संजय गांधी नेशनल पार्क हो गया, है ना, जितनी चीजें हैं याद रखो सब, ठीक है, तिस्ता, लोहित, हाँ चलो। पश्चिम बंगाल में बुक्सा टाइगर रिजर्व है, पश्चिम बंगाल में कौन सा है? बुक्सा टाइगर रिजर्व है और सुंदरवन है, ठीक है, सुंदरवन और बुक्सा टाइगर रिजर्व याद रखना है। और इसके अलावा पश्चिम बंगाल में ये आपको पता है कि सुंदरवन का डेल्टा है, जो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा बनता है, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों के द्वारा बनाया जाता है, ठीक है, चलो ठीक है। तो आज का लास्ट क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, आज का लास्ट क्वेश्चन करते हैं आज की क्लास का, ठीक है, और फिर मिलेंगे कल की क्लास में, फिर से धमाकेदार तरीके से, धमाकेदार सेशन के साथ, और ये क्लास बिल्कुल गलती से मिस मत कर देना, ठीक है। चलो, इस क्वेश्चन का उत्तर करो, फिर आज की क्लास को खत्म करेंगे, सिंपल क्वेश्चन है भाई, है ना, सिंपल क्वेश्चन के साथ क्लास को खत्म करते हैं। 100 रुपए के नोट पर किसके द्वारा हस्ताक्षर होता है भाई, ठीक है, 100 रुपए के नोट पर, 100 रुपए का नोट है आपके पास, देख लेना, और किसका सिग्नेचर होता है इस पर? तो ऑप्शन आपका आरबीआई गवर्नर है, ठीक है, इसके अलावा भारत के राष्ट्रपति हैं, वित्त मंत्री हैं, वित्त सचिव है, तो मुझे लगता है आरबीआई गवर्नर आपका उत्तर होना चाहिए। आरबीआई गवर्नर जो है वो करते हैं, ठीक है, तो आरबीआई गवर्नर ही साइन करते हैं हर नोट पे, सिवाय 1 रुपए के नोट को छोड़कर, ठीक है, 1 रुपए के नोट पर जो है साइन किसका होता है, ये क्वेश्चन पूछता है, तो 1 रुपए के नोट पर साइन होता है वित्त सचिव का,
ठीक है भाई। तो केवल एक रुपए का ऐसा नोट होता है जिस पर सिग्नेचर आरबीआई के गवर्नर का ना होकर के जो फाइनेंस सेक्रेटरी होते हैं, वित्त सचिव होते हैं, उनका होता है। बाकी सभी प्रकार की करेंसी जो है उस पर सिग्नेचर आरबीआई के गवर्नर ही करते हैं। क्लियर। तो आई होप आज का सेशन आप सभी को पसंद आया होगा, ठीक है, क्वेश्चन का लेवल पसंद आया होगा, जिस तरीके से मैंने बताया है वो सेशन आपको पसंद आया होगा। तो कैसी भी लगी क्लास एक बार कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताना और इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों में शेयर जरूर कर देना और कल की क्लास में आप सभी को फिर से उपस्थित होना है। टाइम सेम है 5 बजे। क्लियर है भाई? बिल्कुल, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख लो भाई, 100 रुपए का नोट आपको दिखा के, है ना, आपको 100 रुपए का नोट दिखा के जा रहे हैं क्लास के बाद, ठीक है। अभी इंग्लिश की क्लास स्टार्ट होगी तो ये 100 रुपए का नोट है, देख लो भाई, ले लो, एग्जाम इंडिया की तरफ से आपको ये गिफ्ट है, ठीक है, आज की क्लास के लिए। और कल आओगे कल की क्लास तो 200 रुपए मिलेगा ऐसे ही, ठीक है। और ऐसे ऐसे आपको बहुत ढेर सारी करेंसीज मिलेगा, लखपति बन जाओगे सब। चलो तो आज की क्लास को हम लोग यहीं पर करेंगे समाप्त, ठीक है। आप सभी अपना ध्यान रखना, कल की क्लास 5 बजे फिर मिलेंगे। जितनी भी क्लास अब मैं लूंगा वो क्लास को जरूर लेना क्योंकि ये सारे इंपॉर्टेंट क्लासेस हैं और जिस भी स्पेशल सेशन जब भी लूंगा तो वो क्लास भी करने आ जाना सब लोग, ठीक है। तब तक के लिए आप सभी अपना ध्यान रखना, कोई भी डाउट हो आप लोगों को, कोई दिक्कत हो तो आप मेरे सोशल मीडिया से कनेक्ट रहिएगा, ठीक है, वहां पे आप अपने डाउट पूछ सकते हो, है ना। बहुत बच्चों का मेरे पास मैसेज भी आ रहा था, सर डाउट कहां पूछें आपसे, तो मैंने पहले बता दिया है कि ये मेरा सोशल मीडिया के लिंक्स हैं, यहां पर आप मुझे फॉलो कर सकते हो, आप मैसेज कर सकते हो, ठीक है। इंस्टाग्राम पर आप मुझे मैसेज कर सकते हो, इसके अलावा आप टेलीग्राम ये जरूर ज्वाइन कर लेना, यहां पे आपको पीडीएफ एंड ऑल करंट अफेयर वगैरह सब कुछ यहां पर मिल जाएगा, ठीक है। तो आज की क्लास को रखते हैं समाप्त, आप सभी अपना ध्यान रखना और अपना वैल्यूएबल कमेंट वीडियो में जरूर देना क्लास कैसी लगी, है ना, क्योंकि आप कमेंट करोगे तभी बाहर का कोई बच्चा देखता है ना, तो उसको देखता है पहले कमेंट देखता है, तो आप लोग जरूर वैल्यूएबल कमेंट दो। तो क्लास को करते हैं समाप्त, ठीक है, नमस्कार, टेक केयर, जय हिंद।